हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आप लोग देख रहे हैं, मैं आज उपस्थित हूँ EKI स्कॉट्स कुबोटा में, जो कि फरीदाबाद में है। एक्चुअली यहाँ पे मैं काइजन की ट्रेनिंग के लिए आया हुआ हूँ, और यहाँ पे सारे जैपनीज जो हैं EKI के, उन्होंने काइजन के का अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है। और इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये पूरा सेशन का वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर किया जाए। इसमें मेरे को लीगो बॉक्सेस की एक ट्रेनिंग सेशन हुआ है, जो कि अभी आप देख रहे हो। ये मेरे को पूरी ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो ज़रूर आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, और आप लोगों को भी मौका मिलना चाहिए काइजन के बारे में जानने का। तो साथियों, नॉर्मली हम जब किसी भी काइजन की ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, तो उस काइजन की ट्रेनिंग में हम क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं? बेसिकली वो अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन होता है, और उसमें हमें बता दिया जाता है कि काइजन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, काई एंड जैन, जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, अच्छे के लिए सुधार करते रहना, या निरंतर किसी भी चीज़ में सुधार करते रहना ही काइजन है। चेंज फॉर बेटर काइजन है। और काइजन का आविष्कार किसने किया, काइजन इम्प्लीमेंट कब हुआ और इंडस्ट्री में कब आया, इसके लिए चीज़ें बता दी जाती हैं। लेकिन किसी भी अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन में प्रैक्टिकली नहीं बताया जाता है कि हम कहीं से भी अपनी प्रोसेस में, अपने वर्क प्लेस में कैसे एक्चुअली काइजन करें, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग सेशन में जो पूरा इसका इंटेंट था कि काइजन को कैसे आइडेंटिफाइड किया जाए और किसी भी प्रोसेस में कैसे काइजन किया जाए, तो उन्होंने लीगो बॉक्सेस की सहायता से लाइव एग्जांपल करके हमें बताया। उन्होंने क्या किया कि एक पूरी लाइन, असेंबली लाइन ड्रॉ कर दी, बना दी, और उसमें बहुत सारे प्रोसेस बना दिए और एक असेंबली बना दी कि इस पूरी लाइन में एक असेंबली बना के दिखाना है और बनाना है। तो उस असेंबली लाइन में जैसे कि 3, 3, 6, 2, 8 और 9 बंदे हो गए, उसमें एक सब असेंबली भी हो गई, और पूरी ड्राइंग्स दे दी गई जैसा कि आप देख रहे हो। और उस असेंबली लाइन में असेंबली को अलग अलग पार्ट्स में हर एक जगह से बनाना था, और इसका पूरी लाइन का जो टाइमिंग हमें दी गई थी वो था 5 मिनट्स। और इसका जो टारगेट था, जो बेसिक इसमें टारगेट हमें दिया गया कि आपको अपनी प्रोसेस में या अपनी लाइन में आपको अपनी प्रोडक्टिविटी जो है 200% इंक्रीज करनी है। समझिएगा, 200% जो भी अभी आपकी करंट प्रोडक्टिविटी आएगी, जैसा कि जब फर्स्ट राउंड होगा तो आपकी करंट प्रोडक्टिविटी मानी जाएगी, ठीक है, उससे आपको 200% इंक्रीज करना है काइजन करने के बाद में प्रोडक्टिविटी। तो ये टास्क उन्होंने दिया, और फिर हमने प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बेंच लगवाए, इसी तरह से कुछ उन्होंने बेंच लगवाए, उनके पास पूरा डायग्राम था, और हर एक ऑपरेटर के पास में एक एक ड्राइंग रख दी कि ऐसे आपको पार्ट आएंगे जैसे कि आप असेंबली लाइन में देखते हो, और ऐसे आपको असेंबल करके आगे बढ़ा देना है। तो पहला राउंड जब उन्होंने किया, पुश राउंड किया, ठीक है, कि आपको पुश करना है या पुल करना है, सारा सिस्टम आगे पुल करना है आपको। तो उसमें क्या था कि 5 मिनट टाइम दे दिया, और उसमें जितने भी आप बॉक्सेस बना सकते हो, जितनी असेंबली बना सकते हो, उतनी असेंबली हम लोगों को कंप्लीट करना था। तो साथियों, यकीन नहीं करोगे आप लोग, उसमें जो मॉनिटर करना था, 5 मिनट में हम लोगों ने 38 असेंबली बनाई थी। कितनी? 38 असेंबली बनाई थी। 38 असेंबली में हमारी 2 असेंबली रिजेक्ट हुई थी, और 38 असेंबली बनाने के बाद में हमारा जो रिजेक्शन रेट आया था, जो इन्वेंट्री बची थी, 31 पीसेस की हमारी इन्वेंट्री बची हुई थी, जो हर एक लाइन में रह गया था 5 मिनट बाद। एंड उसके बाद में साइकिल टाइम जो कैलकुलेट हुआ था, वो हुआ था आपका 200-300 मिनट समथिंग सेकंड, ऐसे कुछ आया था। देन जो प्रोडक्टिविटी आई थी वो बहुत ही डाउन आई थी। देन इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि फोर पीस फ्लो सिस्टम कर दिया, ठीक है, 4 पीस फ्लो सिस्टम, कि जैसे कि पहला बंदा असेंबली लाइन बनाएगा और वो आगे 4 पीस ही बढ़ाएगा, तब तक पीछे वाला कुछ नहीं करेगा जब तक वो 4 पीस आगे निकल नहीं जाएंगे। तो 4 पीस फ्लो सिस्टम आपने सुना होगा।
तो फोर पीस फ्लो सिस्टम करने के बाद में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा प्रोडक्टिविटी थोड़ी डाउन हो गई, रिजेक्शन हमारा कम हो गया, इन्वेंट्री हमारी बिल्कुल भी डाउन हो गई। आप यहाँ जैसे टेबल में आप देख रहे हैं इस तरीके से हर एक टेबल में सिस्टम था, ठीक है। अभी ये देखिए लगे हुए हैं ये सारे, अभी पुल सिस्टम में लगे हुए हैं, ये पुल पुश करना है आपको, पूरा पुश कर करके फटाफट 5 मिनट में हमें इन्वेंट्री निकालनी थी। अभी इसके बाद जो वीडियो चलेगा तो अब देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है फोर पीस फ्लो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कार्ड लगा हुआ है, कार्ड के हिसाब से यहाँ पे बंदा बैठा है, एक्चुअली मैं ही हूँ। यहाँ पे फोर पीसेस जमा दिए हैं, अब जब तक ये चार पीस ये बंदा यहाँ से ले नहीं लेगा तब तक ये यहाँ से प्रोसेस चार पीस के अलावा नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या है, चार पीस आगे वाला जब तक ले नहीं लेगा तब तक पीछे वाला अपनी असेंबली लाइन बंद रखेगा, कोई भी ऑपरेशन इसमें नहीं करेगा। ये होता है बेसिकली फोर पीस फ्लो सिस्टम, टू पीस फ्लो सिस्टम और सिंगल पीस फ्लो सिस्टम। तो इसी के हिसाब से फ्लो चलता रहता है। यदि फोर पीस फ्लो सिस्टम है तो चार चार पीस जाएंगे आगे। ये देखिए मैं ही हूँ, मैं लगा हुआ हूँ एक्चुअली ट्रेनिंग में। तो फोर पीस मैंने बना दिए, फोर पीस रख दिए, थ्री पीस हैं, फोर पीस बना के अब मैं बंद कर दूंगा असेंबली। जब तक कि आगे वाला बंदा जो भी मेरी सब असेंबली लाइन में मैं था, जब तक कि आगे वाला बंदा उन चारों पीसेस को ले नहीं लेता है तब तक फोर पीस फ्लो सिस्टम चालू नहीं होगा, जब तक आगे वाला बंदा ले नहीं ले। जैसे देखिए इसकी टेबल में चार पीस रखे हुए, ये बंदा अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। तो इस तरह से वर्क करता है फोर पीस फ्लो सिस्टम। तो पहले हमने फोर पीस फ्लो सिस्टम किया, उसके बाद में टू पीस फ्लो सिस्टम किया और उसके बाद में हमने सिंगल पीस फ्लो सिस्टम किया। तो दोस्तों साथियों आप यकीन नहीं करोगे, जब हमने फोर पीस फ्लो सिस्टम किया तो फोर पीस फ्लो सिस्टम में हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो डाउन हो गई, इन्वेंट्री थोड़ी हमारी कम हो गई, रिजेक्शन रेट हमारा जीरो हो गया, लेकिन जो साइकिल टाइम था वो इंक्रीज हो गया एंड हमारा प्रोडक्शन रेट भी बिल्कुल भी नहीं आया, हमारी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं आई। टू पीस फ्लो सिस्टम में भी ज़्यादा कुछ नहीं रहा, थोड़ी बहुत हमारी प्रोडक्ट इन्वेंट्री जो थी वो घटी और प्रोडक्टिविटी जो हमारी थी वही 38 पीस की ही थी। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जैपनीज ने बोला ये सिंगल पीस फ्लो सिस्टम जब होगा तो आपके फाइनल राउंड है और आपको काइजन सब करने हैं, काइजन सोचने थे पूरी असेंबली लाइन में कि आप क्या क्या काइजन्स कर सकते हो, क्या क्या बेटरमेंट कर सकते हो अपनी प्रोसेस में। तो अब सारे बंदों ने जितनी भी हमारी प्रोसेस थी तो अब काइजन्स करने स्टार्ट कर दिए, काइजन सोचने स्टार्ट कर दिए। हमने अपनी पूरी प्रोसेस को वन बाय वन करके रिव्यू कर दिया और उन्होंने एक भी टारगेट और भी टारगेट दिया कि आपको अपनी असेंबली लाइन से बंदे भी कम करने हैं, एक बंदा कम से कम घटाना है और प्रोडक्टिविटी जस्ट डबल करनी है, मतलब 200% इंक्रीज करनी है प्रोडक्टिविटी। तो हमने वो सारे टारगेट्स उनके लिए और प्रोडक्टिविटी भी हमने इंक्रीज करी। तो देखिए अभी ये प्रोसेस नॉर्मल अभी ये चल रहा है जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो ये अभी क्या चल रहा है, फोर पीस फ्लो सिस्टम चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल पीस फ्लो सिस्टम। तो अब देखो आप ये यहाँ पे सिंगल पीस फ्लो सिस्टम चल रहा है, एक पीस आएगा एक पीस जाएगा, एक पीस आएगा एक पीस जाएगा, ठीक है। अब ये सिस्टम चल रहा है प्रॉपर तरीके से सिंगल पीस फ्लो सिस्टम में, ये हमने कर दिया। इसके बाद में काइजन किए और काइजन वाला राउंड भी दिखाऊंगा। अभी देखो मेरी टेबल इधर साइड लगी हुई है, काइजन करने के बाद में सब असेंबली वाली जो हमारी लाइन है उधर साइड लग जाएगी, क्योंकि उससे हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे थे और हमें ज्यादा इजीनेस लग रहा था वर्क करने में। और टेबल का शेप भी हम थोड़ी चेंज करेंगे और टेबल का शेप बदल देंगे, एक बंदा अपना घटा लेंगे, जो फाइनल हमारा वहाँ पे डिलीवरी वाला बंदा है क्वालिटी वाला बंदा उसको हम एक कर देंगे, तो वहाँ से हमारी एक मैन पावर भी निकल जाएगी। अभी देखो सिंगल पीस फ्लो सिस्टम में क्या है कि वर्कलोड भी कम हो गया और कोई भी एम्प्लॉई हमारा फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं है और बहुत ईजी वे में काम कर रहा है। अब चलिए देखते हैं काइजन करने के बाद में क्या इम्प्रूवमेंट है। तो देखिए ये हो गया काइजन हमारा, हमने सारे काइजन्स कर दिए, मेरी जो वहाँ पे सीट थी जो असेंबली सब असेंबली लाइन थी वो यहाँ तक आ गई और जो हमारा लाइन थी लाइन को भी हमने छोटा कर दिया, जो स्पेसेस थे स्टेशन के बीच में हमने कम कर दिया। अब देखिए जो राइट हैंड पे आपको दिख रहा है लाइन थी यहाँ से स्टार्ट हो गई, पहले पूरी यू शेप में थी, अभी हल्का सा सी शेप में हमने टेबल को बना दिया है एल शेप में। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर पूरी इधर तक है अब टेबल और यहाँ पर हमने सब असेंबली लाइन पास में कर लिया। तो ये बेसिकली काइजन्स हैं और इस तरीके से जब करते हैं तो एक्चुअल हमें मतलब काइजन कैसे करना है, काइजन का कैसे दिमाग में आएंगी
वो चीज पता चलती है इस सेशन से कि काइजन एक्चुअल कैसे किया जाता है। और अब मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूं दोस्तों, ये काइजन्स करने के बाद में आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारी प्रोसेस में जहां हमने पहली बार में 38 पीस बनाए थे, तो यहां पे काइजन्स करने के बाद में, सारे काइजन्स करने के बाद में एक बंदा हटाने के बावजूद हमारी जो लाइन की प्रोडक्टिविटी थी असेंबली बनाने की 5 मिनट में, आप यकीन नहीं करोगे, हमने बनाए थे 85 पीसेस, जिसमें कि हमने फर्स्ट टाइम बनाए, कितने बनाए, 38 पीसेस बनाए थे। हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी इंक्रीज हुई, तो 250% हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी दोस्तों। और हमने इसमें फर्स्ट प्राइज विन किया था, एक्चुअली एक असेंबली लाइन और थी तो उन लोगों ने नहीं विन कर पाए थे। हमारे इतने स्ट्रॉन्ग काइजन्स हुए थे कि हमारी लाइन में फट 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 पीस, और सारा ये सिंगल पीस फ्लो है। आप देखो सिंगल पीस फ्लो में भी हमने इतना जल्दी जल्दी और बेहतरीन तरीके से 5 मिनट में 85 पीसेस बना डाले थे, जिसमें से केवल एक रिजेक्शन हुआ था और जीरो इन्वेंट्री केवल कितनी थी हमारी, 5 या 6 पीस की इन्वेंट्री थी। एंड जो साइकिल टाइम था बिल्कुल रिड्यूस हो गया था, 2 या 3 पता नहीं कितना, 4 या 5 सेकंड का हो चुका था। और प्रोडक्टिविटी 250% इंक्रीज हुई थी। तो जापानियों ने आके हमारी लाइन को देखा कि इन्होंने क्या क्या काइजन्स किए हैं, और बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया था उन लोगों ने हमारी इस लाइन को कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया काइजन, बहुत ही अच्छे काइजन्स आपने सोचे और इम्प्लीमेंट किए लाइन पे, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्योंकि किसी का भी फाइनल गोल क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट होगा, काइजन होगा, और वही निरंतर चलता रहेगा। तो ये जो काइजन्स हैं, जो इनका एक्चुअल जो पता चलता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो लीगोट बॉक्स ट्रेनिंग से ही पता चलता है। आप अपने एम्प्लॉयियों को बता सकते हो, उनको सोचने का नजरिया कैसा है, सोचने का तरीका आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे काइजन्स निकल के आते हैं, देन वो अपनी लाइन में भी काइजन्स कर सकते हैं, अपने एरिया में काइजन्स कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करके, और कंपनी को प्रॉफिट करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कितनी बेहतरीन स्मूथ लाइन चल रही है। रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं, शेयर कर दिए हैं कि प्रोडक्टिविटी फाइनली जो हमारा टारगेट था 200% का, तो हमने अचीव करी थी 250% प्रोडक्टिविटी। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इमीडिएट आपको मिल जाए और आप इनसे वंचित न रह जाएं। और इस दोस्तों, इस वीडियो को जरूर सबके साथ में शेयर करें ताकि जो भी रिलेटिव इससे हैं वो इसका बेनिफिट्स उठा सकें और अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकें। किसी भी तरह के काइजन के ट्रेनिंग्स के लिए आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं और करियर में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।